हॉकी लीग के सनसनीखेज मुकाबले में नैदरलैंड ने इंडिया को हरा दिया। मुकर्रर वक्त में मुकाबला 2-2 गोल से बराबर रहा, जबकि पेनल्टी शूट्स पर नैदरलैंड ने इंडिया को 4-1 से आउट क्लास कर दिया। नैदरलैंड की तरफ से खेल के 10वें और 47वें मिनट में फील्ड गोल स्कोर किए गए, जबकि इंडिया की तरफ से 22वें मिनट में दिलप्रीत सिंह की तरफ से फील्ड गोल और खेल के आखिरी सनसनीखेज लम्हात में मुसलसल पेनल्टी कॉर्नर्स का सिलसिला टूर्नामेंट टॉप स्कोरर हरमनप्रीत सिंह के गोल पर इख्तिताम हुआ। यूं मुकाबला 2-2 से बराबर हो गया। पेनल्टी शूट्स पर नैदरलैंड के 4 गोल्स के मुकाबले में इंडिया सिर्फ 1 गोल स्कोर कर सका। नैदरलैंड 13 मैचेस खेलकर 33 पॉइंट्स के साथ पहले नंबर पर मौजूद है, जबकि इंडिया 15 मैचेस खेलकर 30 पॉइंट्स के साथ तीसरे नंबर पर है। टूर्नामेंट के टॉप स्कोरर हरमनप्रीत सिंह ने इस वक्त 18 गोल स्कोर कर रखे हैं, जिनमें 14 पेनल्टी कॉर्नर और 4 पेनल्टी स्ट्रोक शामिल हैं। दोनों टीमें कल दूसरे मैच के लिए दोबारा आमने सामने होंगी।